नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डे नंबर 16 तक का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, उसमें मैंने आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज के इस सेशन में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए गए हैं वो सारी चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अमेजॉन रिवर बेसिन विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस इज आर ट्रू। ठीक है, मतलब आपसे बोला गया है कि अमेजॉन का जो रिवर बेसिन है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको ट्रू यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि द अमेजॉन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू विदाउट मच वार्निंग। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से असर्शंस हैं जो कि आपको यहां पर ट्रू देखने को मिल रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा, देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि अमेजॉन जो बेसिन है, अमेजॉन रिवर जो है, ये आपको क्या है कि इक्वेटर पर देखने को मिलेगी और यहां पर क्या है कि इक्वेटर पर जो है वो हॉट और वेट क्लाइमेट आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है क्योंकि सन रेज जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल करती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो ये वाला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया है ना। ऐसे आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए जो अप्रोच है ना वो ऐसे ही रखनी है। ठीक है, अगर आप ऐसे रखोगे तो आपके ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट बहुत अच्छी तरीके से यहां पर होंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आपकी स्किन वगैरह भी जो है वो काफी स्टिकी यहां पर फील करेगी और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर ऑलमोस्ट हर दिन जो है वो बारिश होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वहां पर रेन भी जो है आप ये कह सकते हैं कि हमेशा यहां पर होगी। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई बहुत वार्निंग की जरूरत नहीं होती है ना कि बारिश होने वाली है। ठीक है, कभी भी जो है वो बारिश वगैरह यहां पर हो सकती है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर अगर हम डे के टाइम पर बात करें और नाइट के टाइम पर बात करें, ठीक है, तो डे के टाइम पीरियड पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि वो हाई होता है और नाइट के टाइम पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी यहां पर भी हाई देखने को मिलेगी और यहां पर भी हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको टेम्परेचर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहां पर ऑलमोस्ट जो शब्द है उसका यहां पर प्रयोग किया गया है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो हमेशा यहां पर आपको हाई देखने को मिलती है और इसी वजह से यहां पर क्या है कि बारिश वगैरह होने की जो संभावनाएं होती हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिए कि पैरासिटिक प्लांट सच एज ऑर्चिड एंड ब्रोमेलाइट्स ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पैरासिटिक यहां पर प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्चिड हो गया है ना, या फिर ब्रोमिलियट्स हो गया, ये किस तरीके के फॉरेस्ट एरिया में यहां पर ग्रो करते हैं? रेन फॉरेस्ट में करते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट में करते हैं, मेडिटेरियन फॉरेस्ट में करते हैं, या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट में यहां पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी रेन फॉरेस्ट होते हैं, है ना, रेन फॉरेस्ट का मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां पर जो रेन होती है वो बहुत ज्यादा होती है और रेन फॉरेस्ट में आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो बहुत ही डेंस या थिक जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बारिश वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें थिक फॉरेस्ट की वजह से एक रूफ भी यहां पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रूफ का बेसिक मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे कनोपी वगैरह होती है ना, वो क्या करती है कि जो जमीन वाला पोर्शन होता है उसको पूरी तरीके से यहां पर कवर कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि जब ये रूफ यहां पर आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा तो जो सनलाइट यहां पर होती है वो क्रॉस करके पेनिट्रेट करके जो है वो जमीन तक यहां पर पहुंच नहीं पाती है ना। और इसकी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें यहां पर क्या होता है कि जो भी रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें यहां पर ये थिक फॉरेस्ट है, रूफ क्रिएट होगी, सनलाइट वगैरह जो है वो यहां पर
देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जो भी शेड टोलरेंट यहां पर जो आपके, ठीक है, जो शेड टोलरेंट हमारे जो आप अलग अलग तरीके से जो हमारे वेजिटेशन वगैरह होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, है ना, मतलब कि जिनको सनलाइट वगैरह की यहां पर आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पर जो शेड टोलरेंट यहां पर वेजिटेशन होता है वो यहां पर ग्रो कर सकते हैं। और मतलब आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जो भी ऑर्चिड्स हो गए, है ना, या फिर जो ब्रोमेलिएट्स वगैरह हो गए, इस तरीके के जो ये शेड टोलरेंट यहां पर प्लांट्स हैं वो इस तरीके के फॉरेस्ट में आपको ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये आपका रेन फॉरेस्ट, मतलब कि जो पैरासिटिक यहां पर प्लांट्स होते हैं वो आपको रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। उसका कारण क्या है वो कारण मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन, ठीक है, व्हाट इज मेलोका, ठीक है, तो मेलोका जो है यहां पर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जो है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर ना अमेजोन रिवर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो काफी बार यहां पर दो क्वेश्चन अभी हमने किए तो उसमें अमेजोन के बारे में डिस्कशन यहां पर हो रहा है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। वैसे पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है कि अमेजोन रिवर जो है ये आपको कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, तो ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से हम दुनिया की सबसे बड़ी यहां पर रिवर देखेंगे तो वो अमेजॉन रिवर है, वैसे तो नाइल रिवर है लेकिन वाटर का वॉल्यूम जहां पर कवर होगा उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो आपको अमेजॉन रिवर यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी यहां पर ये जो मेलोका है ये क्या है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको अमेजॉन रिवर के बेसिन पर देखने को मिलेगा। मेन फूड आइटम्स हैं इनहेबिटेंट्स का जो वहां पर रहते हैं, द हाउसेस बिल्ड बाय द पीपल लिविंग हेयर और एग्रीकल्चरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द पीपल हियर। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये जो मेलोका है, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है ना, अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मेलोका जो होता है वो आप ये कह सकते हैं कि ये हाउसेस होते हैं जो यहाँ के लोग जो बनाते हैं अपने रहने के लिए, उस तरीके का जो घर होता है उसको हम यहाँ पर मेलोका कहते हैं, ठीक है, तो द हाउसेस बिल्ड बाय द पीपल लिविंग हेयर इस क्वेश्चन का हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये टर्म है, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। इन द फ्रेश वाटर ऑफ विच रिवर रिवर बेसिन द वेराइटी ऑफ डॉल्फिन सुसु इज फाउंड, ठीक है, मतलब कि एक वेराइटी होती है सुसु, ठीक है, किसकी, डॉल्फिन की वेराइटी है ये, किस रिवर या रिवर्स के बेसिन पे जो है फ्रेश वाटर का, ठीक है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, चंबल हो गया या फिर कावेरी हो गया, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अतः ये जो यहां पर ये सुसु डॉल्फिन आपको देखने को मिलती है ना, इसको हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है, तो ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी इसको यहां पर जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन होता है ये कौन सी रिवर के फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो देखो गंगा में मिलता है और ब्रह्मपुत्र में मिलता है, ठीक है, तो ये बात जो है ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर वन और टू जो होगा ये हमारा राइट आंसर है, मतलब कि ये ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिस भी पर्टिकुलर रिवर में आपको ये ब्लाइंड डॉल्फिन देखने को मिलती है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि इस रिवर का पानी जो है वो यहां पर क्या है, वो बहुत ही फ्रेश वाटर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो डॉल्फिन होता है ये फ्रेश वाटर ही आपको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और जो अर्बन वेस्ट वगैरह होते हैं जो कि डायरेक्टली यहां पर रिवर्स वगैरह में छोड़े जाते हैं, इसकी वजह से ये जो सुसु डॉल्फिन वगैरह हैं इनका भी यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि किलिंग वगैरह आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी डेथ वगैरह भी जो है वो होती हुई यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन एंड टू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, अब कोलकाता जो सिटी है, ठीक है, वो आपको कौन से रिवर पर जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, भागीरथी होगा, कोसी होगा, महानदी होगा या फिर हुगली होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो आगरा हो गया, ठीक है, आगरा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो आपको यमुना नदी के किनारे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अहमदाबाद के बारे में देखें, ठीक है, तो अहमदाबाद जो है वो कहां पर मिलेगा, अहमदाबाद जो है वो आपको साबरमती नदी के किनारे देखने को मिलता है, ठीक है, साबरमती रिवर यहां पर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप इलाहाबाद देखोगे तो गंगा यमुना के किनारे है, ठीक है, जैसे अयोध्या बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, तो अयोध्या भी आपसे पूछा जा सकता है, मैच करने को आ सकता है, तो ये सरयू नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
कोलकाता जिसको कैलकाटा भी कहते हैं, ये हुगली रिवर के किनारे है। और याद रखिएगा हुगली रिवर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब कि गंगा रिवर का पानी जो है वो लेकर चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद अगर आप देखोगे कटक, ठीक है, कटक जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कटक जो है ये महानदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, महानदी। और आगरा के साथ ही साथ दिल्ली जो है, दिल्ली भी आपको यहां पर यमुना नदी के किनारे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ जो है ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे लोकेटेड है, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये स्टैटिक में भी इंपॉर्टेंट है और मैच करने को भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार, अगर आप देखोगे हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, हरिद्वार गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, है ना। उसके बाद अगर आप जबलपुर देखोगे, ठीक है, मध्य प्रदेश में है जबलपुर, हाईकोर्ट जो मध्य प्रदेश का है वो जबलपुर में है। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोटा, एक कोटा भी आपसे पूछा जाता है, तो कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, चंबल। और उसके बाद लखनऊ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, लखनऊ, तो लखनऊ जो है ये आपके गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, गोमती नदी। उसके बाद यहां पर जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हड़प्पा जो है ये कौन सी नदी के किनारे है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। उसके बाद अगली बात अगर आपसे पूछी जाए कि श्रीनगर कौन से नदी के किनारे है ना, तो श्रीनगर याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद सूरत, ठीक है, सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंडियन सिटीज हैं, और वो कौन सी नदी के किनारे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो कोलकाता जो आपको देखने को मिलेगा या आपको हुगली नदी के किनारे जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हुगली। चलिए अगली बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया हुआ है कि व्हाट आर नोन एज द प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज जो है वो क्या होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब देखो ये तो पता है आपको कि प्रेरीज जो होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई वो टेम्परेट होते हैं या ट्रॉपिकल होते हैं, तो इससे पहले वाला जो सेशन था ना उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से हैं, है ना, और उसके बाद जो हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका वाले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा ये वीट कल्टीवेशन के लिए भी जो है ये आपको बहुत ज्यादा फेमस यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर वीट वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन उसका होता है। तो वीट कल्टीवेशन के लिए जो प्रेरीज होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये बात ध्यान रखनी है, तो राइट आंसर क्या हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलिए आगे बात करते हैं, और वैसे भी आसान है क्योंकि ट्रॉपिकल जो है वो आपको जो इक्विटोरियल या जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अमेरिका जो है वो थोड़ा ऊपर है, तो आप इसको टेम्परेट की कैटेगरी में रख सकते हो। रिगार्डिंग द प्रेरी ग्रासलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज ग्रासलैंड्स आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, ठीक है। मतलब कि जो आपका प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, इसके अगर आप वेस्ट में देखोगे तो आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेगा, है ना, और ईस्ट में देखोगे तो आपको ग्रेट लेक्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस, ठीक है, जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, ठीक है, उनका यहां पर जो है वो घर माना जाता है और उनको हम रेड इंडियंस कहते हैं। बाइसन और द अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा रॉकी माउंटेन जहां पर चिनूक आपको जो है एक लोकल विंड यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, चिनूक, ठीक है, वो यहां पर ब्लो करती है। और जो आपका प्रेरी ग्रासलैंड है इसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन है और ईस्ट में ग्रेट लेक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा रॉकी माउंटेन जो है वो वेस्ट में है और ग्रेट लेक्स जो है वो आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्रासलैंड जो है प्रेरीज ये होम होते हैं जो नेटिव अमेरिकन है जिनको हम रेड इंडियंस यहां पर कहते हैं, उनका ये यहां पर होम है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और प्रेरीज में आपको बाइसन और जो अमेरिकन बफेलो होता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेरी ग्रासलैंड के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहां पर बताई है। तो अब इसमें से पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो तीनों करेक्ट हैं। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आर रिलेटेड टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है। तो कौन सा रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम,
जो कि प्रेरीज ग्रासलैंड से एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेगा, मिसिसिपी रिवर है। फिर उसके बाद यहां पर सस्कैचवन रिवर आपको देखने को मिल रहा है, हडसन रिवर देखने को मिल रहा है, या फिर सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है ये दो कंट्री को कवर करती है, एक तो यूएसए को कवर करती है और एक कनाडा को कवर करती है। ठीक है, मैक्सिको को कवर नहीं करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है कि अगर बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर यहां पर एरिया होता है, ठीक है, अगर हम यूएसए के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी यूएसए में रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी, इसमें जो भी मिसिसिपी रिवर है, ठीक है, जो मिसिसिपी रिवर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो यहां पर ड्रेन करती हैं। और अगर हम यहां पर जो है कनाडा में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, ठीक है, सस्कैचवान, ठीक है, तो ये वाली जो रिवर है इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपको यहां पर ड्रेन करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो कनाडा में ये रिवर यहां पर ड्रेन करेगी और यूएसए में मिसिसिपी जो है वो यहां पर ड्रेन करेगी। तो पहला और दूसरा, ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए, एक असर्शन दिया गया, एक रीजन दिया है। उसके हिसाब से आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन से सही है, कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन यहां पर दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन यहां पर रॉन्ग है, असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और उनके बेसिस पे आपको आंसर जो है वो यहां पर बताना है। ठीक है, तो असर्शन में देखिए दिया हुआ है कि द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी बात बोली गई है कि वीट इज हाईली प्रोड्यूस इन द प्रेरी एरिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि देखिए नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो सब चीजें यहां पर यूज होती हैं, और इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर सरप्लस जो है वो यहां पर फूड प्रोड्यूसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर जो फूड प्रोडक्शन होता है वो यहां पर क्या होता है कि वो बड़े स्केल में जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो प्रेरीज होते हैं ना इनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो वीट का प्रोडक्शन होता है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, और इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर वीट का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, और जो आपको रीजन दिया गया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो कि मैंने आपको प्रेरीज ग्रासलैंड के बारे में यहां पर पढ़ाई है। थोड़ा बहुत जानकारी अगर आप इसको रखोगे तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां पर आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ दी एबो असर्शंस करेक्टली डिफाइन ओएसिस। ठीक है, जो ओएसिस यहां पर होता है उसको जो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली यहां पर डिफाइन करता है। पहला बोला जा रहा है कि ओएसिस इज द एरिया ऑफ डेजर्ट वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज डन। ठीक है, जहां पर लार्ज क्वांटिटीज जो एनिमल हस्बेंड्री की होती है वो यहां पर डन होती है, वो यहां पर बताया जा रहा है। दूसरी बात, इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सर्फेस एंड ओएसिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, दीज एरियाज आर फर्टाइल। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अ फर्टाइल एरिया अराउंड द डेजर्ट विच इज ग्रिप्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ द डेजर्ट सच एरियाज आर कॉल्ड ओएसिस। चौथा दिया गया है कि द एरिया ऑफ द डेजर्ट वेयर द प्लेन्स ऑफ द ग्रेवल एंड द एलिवेटेड प्लेटू ऑफ द नेक्ड रॉकी सर्फेस आर फाउंड आर कॉल्ड द ओएसिस। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि ओएसिस जो है वो स्ट्रक्चर कहां पर मिलेगा। तो ओएसिस जो आपको यहां पर लैंड फॉर्म देखने को मिलता है यह आपको मिलता है डेजर्ट में। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब ओएसिस जो होता है वो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि मतलब जो भी डिप्रेशंस वगैरह होते हैं वो कब होते हैं फॉर्म, जब यहां पर विंड वगैरह बहुत ज्यादा ब्लो होती है ना, और सैंड वगैरह जो होती है वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देंगे, तब डिप्रेशन यहां पर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो भी ये डिप्रेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन बेसिकली मतलब जो यहां पर गड्ढे होते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जब वो सर्फिस पर यहां पर पहुंच जाता है तो ओएसिस जो है वो आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, और जहां पर पानी होगा तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ा सा फर्टिलिटी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और इन्हीं वाटर बॉडीज के पास जो है वो आपको बहुत सारे लोग यहां पर रहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट अगर आप सही देखोगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहां पर गलत आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि
कि दूसरा ऑप्शन अगर यहां पर सही है तो एक चीज मुझे ये समझ में आ रहा है कि तीसरा और चौथा यहां पर गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अ फर्टाइल एरिया अराउंड द डेजर्ट विच इज ग्रिप्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ द डेजर्ट सच एरियाज आर कॉल्ड ओसिस। नहीं, यहां पर क्या होगा कि जब तक अंडर वाटर ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पर नहीं पहुंचेगा तब तक ओसिस का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। मतलब कि डेजर्ट में पानी जहां पर मिलेगा वो रीजन जो होता है वो ओसिस होता है। अब उसके बाद यहां पर चौथा वाला स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया है ना। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में एनिमल हस्बेंड्री नहीं होती है। ठीक है, मतलब इतना भी नहीं होता पानी यहां पर कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हम यहां पर कर सकें। और बेसिकली आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे डेट पाम्स वगैरह जो होते हैं वो आपको यहां पर जो है वो कल्टिवेट करते हुए देखने को मिलेंगे। इस तरीके की जो ट्रीज वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगे और कुछ दूसरी जो क्रॉप्स होती है वो यहां पर देखी जाती है ना। तो ओसिस क्या है कि डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है वहां पर अंडरग्राउंड जो वाटर है वो सरफेस तक यहां पर पहुंच गया और इसकी वजह से यहां पर ओसिस का फॉर्मेशन होता है और ये एरियाज जो होते हैं वो आपको काफी फर्टाइल यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लद्दाख सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू। ठीक है, अच्छा लद्दाख के बारे में एक बात ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं हम हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहां पर मिलेगा, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि द काराकोरम रेंज इन द ईस्ट एंड जंस्कर माउंटेन इन द वेस्ट इनक्लोज लद्दाख, द नंगा माउंटेन इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ ऑफ लद्दाख एंड देर आर पीर बंजल माउंटेन रेंज इन द साउथ। नंगा माउंटेन इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ ऑफ लद्दाख एंड काराकोरम माउंटेन रेंज इन द साउथ, द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कर माउंटेन इन द साउथ इंक्लूसिड। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा लद्दाख के बारे में अगर हम यहां पर याद रखेंगे तो लद्दाख जो होता है वो एक तरीके का कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा है ना। और ये जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये ग्रेट हिमालय वाला जो पार्ट है ना, ग्रेट हिमालय। ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक वगैरह होते हैं वैसे ग्रेट हिमालय वाला जो पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि ये जो है ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है ना। ये बात याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में जो है वो लद्दाख आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा इसके नॉर्थ में जो है वो काराकोरम रेंज है। ठीक है, नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में जो है वो जंस्कर रेंज है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जो है वो इंपॉर्टेंट इसको डिक्लेयर कर रहा हूं क्योंकि लद्दाख जो है वो पूरे साल से जो है वो न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो याद रखिएगा लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम माउंटेन रेंज है और इसके साउथ में जो है वो जंस्कर माउंटेन रेंज जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द लद्दाख रीजन, लद्दाख से इनमें से कौन कौन सी रिवर है जो कि आपको यहां पर फ्लो होती हुई यहां पर दिखाई देती है, इंडस, चिनाब, झेलम या श्योक। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवर जो है वो आपको इंडस यहां पर देखने को मिलेगी, इंडस तो यहां से जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि बहुत सारी दूसरी भी रिवर आपको देखने को मिलेगी जैसे श्योक वगैरह अगर आप देखोगे तो वो भी आपको यहां से देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप लोग ना इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो काफी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर कवर होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से जाती है ना, किस तरीके से जाती है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे तो काफी सारी चीजें जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इंडस रिवर वगैरह का सिस्टम यहाँ पर थोड़ा बताऊं है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताइए, तो जैसे मान लीजिए कि मैं इंडस रिवर के बारे में बताऊंगा तो इंडस रिवर जो है वो कहां से निकलती है भाई, इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से यहां पर निकलती है। ठीक है, यहां पर आपको एक बुखारछू ग्लेशियर जो है वो देखने को मिलता है तो वहां से ये होता है और उसके बाद ये लद्दाख होता हुआ जो है वो पाकिस्तान में यहां पर चली जाती है। ठीक है, इंडस रिवर। उसके बाद अगर आप चेनाब रिवर के बारे में देखोगे तो चेनाब रिवर जो है वो कहां से निकलता है, वो बारालाचा पास से निकलती है। ठीक है, मतलब चेनाब रिवर जो है वो यहां पर क्या है कि बारालाचा पास से निकलती है। मतलब ये वाला जो रीजन है ये कहां पर मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि चंद्र और भागा नाम की दो रिवर्स होती हैं। ठीक है, जो कि टंडी नामक एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में जहां पर मिलती है, फिर उसके बाद जो है वो चिनाब रिवर बनती है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के बाद जो है आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो आपका मतलब जो चिनाब रिवर है, ठीक है, वो यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश से जाएगी, फिर जम्मू कश्मीर में जाएगी और जम्मू कश्मीर के बाद फिर ये पाकिस्तान में चली जाएगी। ठीक है, फिर झेलम रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो झेलम रिवर है यहां पर, तो यहां पर आपको एक स्प्रिंग वेरिनाक नाम की जो जगह है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है ना।
तो वूलर लेक वगैरह जैसे आप देखोगे ना, तो वहां से जो है ये झेलम रिवर निकलेगी और डायरेक्टली जो है ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, मतलब चेनाब रिवर जो है ये लद्दाख नहीं जाती है, झेलम रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर से ही जो है वो पाकिस्तान में यहां पर चली जाती है ना। और श्योक रिवर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो श्योक अगर हम यहां पर याद रखेंगे तो श्योक जो है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि श्योक जो है इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो आपको नुब्रा देखने को मिलेगी, मतलब नुब्रा रिवर श्योक की ट्रिब्यूटरी होती है, और श्योक जो है वो यहां पर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आपको इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है, ठीक है, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना। और ये भी जो है ये कहां पर देखने को मिलेगी, ये आपको जो है ये लद्दाख में जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो चेनाब और झेलम नहीं होता, क्योंकि झेलम जम्मू कश्मीर से निकल के डायरेक्टली पाकिस्तान में चला जाएगा, और ये हिमाचल प्रदेश में जाएगा चेनाब, फिर जम्मू कश्मीर में जाएगा, फिर पाकिस्तान में जाएगा, है ना, तो ये लद्दाख में नहीं जाता है। तो इंडस और श्योक जो है वो लद्दाख रीजन में आपको फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। तो पहला और चौथा ऑप्शन जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग असर्शंस, ठीक है, और आपको उसके हिसाब से फिर जो आंसर है वो यहां पर देने हैं। पहला दिया हुआ है कि लद्दाख लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज अ कोल्ड डेजर्ट और लद्दाख इज सिचुएटेड इन द हिमालयस, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है ना। तो लद्दाख मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये अभी मैंने आपको बताया कि ये कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालयस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ईस्टर्न साइड जम्मू कश्मीर के आपको देखने को मिलता है ना। और उसके बाद नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, साउथ में जंस्कर माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, और इंडस हो गया, श्योक वगैरह हो गया, ये काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं इसमें। तो लद्दाख जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में कोल्ड डेजर्ट है, असर्शन सही है, और ये आपको ग्रेट हिमालयस में देखने को मिलेगा, और इसी वजह से यहां पर क्या है कि ये कोल्ड डेजर्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर असर्शन का, क्योंकि वो ग्रेट हिमालयस में है और इसी वजह से यहां पर कोल्ड डेजर्ट जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिगार्डिंग द लद्दाख रीजन कंसिडर द फॉलोइंग असर्शंस, ठीक है, लद्दाख से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर हिंदूज और बुद्धिस्ट, सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाख लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, असर्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखना है कि ये डेजर्ट वाला रीजन है, तो एरिडिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और एरिडिटी होने की वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो क्या होता है कि वो बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब वेजिटेशन नाम मात्र का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रासेस वगैरह होती हैं, है ना, श्रब्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर ग्रेजिंग फैसिलिटी भी जो है वो उतनी ज्यादा अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो ग्रोव्स ऑफ विलोज होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपको ग्रोव्स ऑफ विलोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो चीजें जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाला जो पहला वाला स्टेटमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो आपको क्या होता है कि ये आपको बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि मतलब ट्रीज वगैरह होते हैं, जैसे विलो ट्रीज वगैरह जो होते हैं ना, विलो, तो इनसे हम यहां पर क्या करते हैं कि जो क्रिकेट के बैट वगैरह होते हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे, है ना, वुड ऑफ द विलो ट्रीज का जो है वो यूज किया जाता है क्रिकेट के बैट को बनाने में, ठीक है। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर हिंदूज और बुद्धिस्ट, नहीं, हिंदूज नहीं है यहां पर आपको मुस्लिम देखने को मिलेंगे या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत हो गया, ठीक है। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह तो होती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रेडिशनल जो यहाँ पर गोम्पास वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कई तरीके की मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे हेमिस मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, है ना, फिर उसके बाद थिक्सी जो मोनेस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, शे हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लमायुरु। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये जो मोनेस्ट्रीज हैं वो कहां पर हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स के भी एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो मोनेस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और इनके ट्रेडिशनल गुम्पास के साथ वो चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो देखो ये सारी मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो अगर आप दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत देखेंगे तो आपके देखो सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, है ना, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 14 क्वेश्चंस, और इससे मैंने ना आप लोगों की जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है वो पूरी कवर करा दी है ना, मतलब क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने पूरी क्लास 7th की जो एनसीईआरटी थी वो यहां पर कवर करा दी है। अगली क्लास में मैं यहां पर क्या करूंगा कि आपको ना थोड़ा 11th क्लास की एनसीईआरटी और दो चार जो क्वेश्चन यहां पर क्लास 7th के बचे हुए हैं एडिशनल,
वो मैं आपका कवर करा दूंगा, ठीक है भाई। तो अगली क्लास से हम 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बाकी आप हमारे डेली न्यूज एनालिसिस के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, वहां पर मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो 249 में मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, पीडीएफ वगैरह रिकॉर्डेड सेशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा, और आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो सब भी चीजें मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा एसएसबी प्रिपरेशन का कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है ना। हर एक कोर्स को खत्म करने में 30 डेज का टाइम लगता है, उसके बाद आपको खुद को प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो अगर आप ये सोचोगे कि मेरा एसएसबी दिसंबर में है ना, सर का नवंबर का कोर्स आएगा तो उसमें इनरोल करेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़ा लेट हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रिपरेशन भी करनी है। तो जब आप चीजें सीख जाओगे तभी तो प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी, है ना। तो ये मेरा नंबर है, अगर आपको किसी को भी कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिफेंस मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ पर क्या है कि सारी जानकारी मिल जाए, वहां से भी आप चैट के माध्यम से अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल पे जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो लास्ट मोमेंट पर रिविजन वगैरह करने में आपको जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी अवेलेबल है, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो डिफेंस मास्टर टेलीग्राम पर, तो उससे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले सेशन में हम एक नया जो डिस्कशन है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।